स्पेशल यूपी पुलिस के लिए क्लास होती है। सो आज की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पुलिस की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी, इसका राइट आंसर बताइएगा। गुड इवनिंग सभी को, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। आपको बताना है स्वतंत्र पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन इस प्रकार है, श्री राजगोपालाचारी, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, श्री राजगोपालाचारी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना श्री राजगोपालाचारी ने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है श्री राजगोपालाचारी, करेक्ट आंसर होगा इसका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विक्रम संवत कब शुरू हुई थी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विक्रम संवत कब शुरू हुई थी, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसका आंसर करिए दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 57 ईसा पूर्व। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व शुरू हुई थी, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर दो का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है 57 ईसा पूर्व, करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए। आपको बताना है व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है, सफेद सोना किसे कहा जाता है, प्लेटिनम, बॉटम, मरकरी या फिर ब्रोमी। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं, तो क्वेश्चन नंबर तीन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्लेटिनम को। ए करेक्ट आंसर है इसका, प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। मरकरी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, ए करेक्ट आंसर होगा इसका, प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर तीन का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है ए करेक्ट आंसर होगा, प्लेटिनम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर क्या होगा। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है, ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है, पृथ्वी सूर्य से तीसरे स्थान पर है, ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है पृथ्वी को। आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षा में ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है, पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, शुक्र और मंगल के मध्य। तो बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है शुक्र और मंगल, करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सी रंगीन गैस है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इसमें रंगीन गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, रंगीन गैस आपको बतानी है कौन सी है इसमें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लोरीन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्लोरीन रंगीन गैस है। तो अब बी इसका राइट आंसर होगा, हरे और पीले कलर की होती है क्लोरीन गैस। आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए किस रंग की होती है, हरे और पीले रंग की होती है क्लोरीन गैस, तो बी इसका राइट आंसर होगा। बाकी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सभी रंगहीन गैस है, ये रंगीन गैस है क्लोरीन, तो बी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए, समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत है। बताइए क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर क्या होगा, समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत है। ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आयोडीन का, या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए, बताइए दोस्तों भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहां पर होता है। इसका राइट आंसर बताइए, भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहां पर होता है, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ओडिशा या फिर केरल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वेस्ट बंगाल में, या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है, बी करेक्ट आंसर है इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर सेवन का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, वेस्ट बंगाल करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर आठ के लिए, पंचशील समझौता भारत और किस देश के मध्य हुआ था। बताइए क्वेश्चन नंबर आठ का करेक्ट आंसर क्या होगा, पंचशील समझौता भारत और किस देश के मध्य हुआ था, रसिया, चाइना, ब्राजील या फिर श्रीलंका। गुड इवनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चाइना के मध्य, या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पंचशील समझौता भारत चाइना के मध्य हुआ था, तो 20 का राइट आंसर होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा दूसरा, पंचशील समझौता कब हुआ था, यह पूछा जाता है। 1954 में हुआ था, 1954 में हुआ था भारत चाइना के मध्य, तो 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए। बताइए दोस्तों निम्न में से भारत में रबी के मौसम में कौन सी फसल काटी जाती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सी फसल रबी के मौसम में काटी जाती है, ज्वार, गेहूं, कपास या फिर जूट। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गेहूं। क्या करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर होगा, गेहूं रबी के मौसम में काटी जाती है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर नाइन का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, यस, रबी के मौसम की जो फसलें होती हैं मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं, तो 20 का राइट आंसर होगा, गेहूं करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर टेन के लिए, ये खेल से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर हॉकी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिकेट, या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, क्रिकेट से संबंधित है सिली पॉइंट शब्द, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, आपको बताना है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था। यह अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था, 1947, 1948, 1950 या फिर 1951। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं, सभी का आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1948, या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 1948 में भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पहली बार स्वीकृत हुआ था, तो अब 20 का राइट आंसर होगा 1948। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, आपको बताना है किस सिख गुरु ने गुरु नानक देव की जीवनी लिखी है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, क्या पूछा गया है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक देव की जीवनी लिखी है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा। गुरु नानक देव सिख धर्म के पहले गुरु थे, पूछा जाता है परीक्षा में सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा गुरु नानक देव। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुरु अर्जुन देव ने, या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक देव की जीवनी लिखी थी, तो डी इसका राइट आंसर है। अब देखिएगा अगर पूछा जाए परीक्षा में गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के किस नंबर के गुरु थे, तो आप लोग याद रखिएगा ये पांचवें गुरु थे, पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, डी इसका राइट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आपको बताना है कृष्णा राज सागर डैम कहां पर है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या पूछा गया है पहले क्वेश्चन को समझिएगा। कृष्णा राज सागर बांध कहां पर है, मैसूर, उदयपुर, कोटा या फिर हैदराबाद में। इस प्रकार से ऑप्शन है, तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैसूर। क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, कर्नाटका के मैसूर में। कहां पर, कर्नाटका के मैसूर में कृष्णा राज सागर बांध है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर होगा इसका, मैसूर करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, ए करेक्ट आंसर होगा, कर्नाटक के मैसूर में है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, आपको बताना है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिए गए खरोष्ठी, ब्राह्मी, प्राकृत या फिर पाली, प्राकृत या फिर पाली, इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्राह्मी। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप ब्राह्मी है, तो बी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, ब्राह्मी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, विख्यात यात्री इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, इसका राइट आंसर बताइए। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी डी होगा, मोरक्को का। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा, इब्न बतूता किसके दरबार में भारत आया था। तो आप लोग याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता आया था, ये मोरक्को का निवासी था, तो डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, सभी लोग इसका आंसर क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर भी डालिएगा साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, पंखा, सेल, स्टोव या फिर बल्ब, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सेल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, सेल करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। आपको उस अंग्रेज का नाम बताना है जिसने सबसे पहले भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, इसका राइट आंसर बताइए। सबसे पहले किसने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, उसका नाम बताइएगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चार्ल्स विल्किंस, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, चार्ल्स विल्किंस। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं लेना है। क्या पूछा गया है, निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अरावली। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, अरावली सबसे प्राचीन इनमें से
पर्वत श्रेणी है। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है अरावली, करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहली आधुनिक पटसन मिल कहां स्थापित हुई थी, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। गुड इवनिंग, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहली आधुनिक पटसन मिल कहां स्थापित हुई थी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रिसरा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, रिसरा में पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। रिसरा कहाँ पर है, अगर पूछा जाए रिसरा कहाँ पर है, ये वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में रिसरा है। बहुत अच्छे, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। डांडिया कहाँ का फोक डांस है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। डांडिया कहाँ का फोक डांस है, असम, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात का। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। गुजरात का लोक नृत्य है डांडिया, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा किस देश से ली गई है, ये अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान में आपातकालीन की जो अवधारणा है किस देश के संविधान से ली गई है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जर्मनी। क्या करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, जर्मनी से ली गई है भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा, तो डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा। फीफा किससे संबंधित है, ये खेल से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए फीफा किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर बैडमिंटन। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं, तो सभी ऑप्शंस को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिएगा, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फुटबॉल। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फीफा फुटबॉल से संबंधित है, तो 20 का राइट आंसर होगा। फीफा का जो आयोजन है 4 वर्षों के अंतराल में किया जाता है। क्या पूछा जाएगा परीक्षा में क्वेश्चन, फीफा का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है, 4 वर्षों के अंतराल में होता है। फुटबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या भी पूछी जाती है, 11 होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी आप लोग याद रखिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर पद भरा जाना आवश्यक है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का पद भर जाना चाहिए, तो डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, 6 माह के भीतर करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आपको बताना है राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है, सभी इसका आंसर करिए। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 24 मई को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आपको बताना है इनमें से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सांबल लेक। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सांबल लेक। खारे पानी की झील आप लोग याद रखिएगा, खारे पानी की झील है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है सांबल लेक कहाँ पर है, राजस्थान में है, राजस्थान में है सांबल लेक, खारे पानी की झील है, तो 20 का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। आपको बताना है विश्व विख्यात पिरामिड किस देश में है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पिरामिड किस देश में है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मिस्र में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, मिस्र में पिरामिड है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है मिस्र, करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन? इस प्रकार से ऑप्शंस हैं, तो सभी का आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यूट्रॉन की। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो सी का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है न्यूट्रॉन, करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, बताइए दोस्तों क्या करेक्ट आंसर होगा। कांच का रंग नीला किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है कांच का रंग नीला किसकी वजह से होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड की वजह से, कॉपर ऑक्साइड की वजह से, आयरन ऑक्साइड की वजह से या फिर निकल ऑक्साइड की वजह से? सभी का आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, कांच का रंग नीला कोबाल्ट ऑक्साइड की वजह से होता है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, आपके आंसर गलत हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कोबाल्ट ऑक्साइड की वजह से होता है कांच का रंग नीला, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 का। आपको बताना है भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? मुंबई, चंडीगढ़, आगरा या फिर बंगलुरु को? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बंगलुरु को। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु और बंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, डी इसका राइट आंसर होगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहते हैं, तो बंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा इसका, बंगलुरु करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताइए दोस्तों रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिकेट। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में निम्न में से कौन सी धातु उपयोग की जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा, किस धातु का उपयोग किया जाता है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यूरेनियम को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में, तो बी का राइट आंसर होगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, यूरेनियम को येलो केक के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा किसे येलो केक के नाम से जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा यूरेनियम को येलो केक के नाम से भी जाना जाता है। इसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है यूरेनियम, करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नेपाली भाषा मुख्य रूप से इनमें से किस राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक, सिक्किम, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश? इस प्रकार से ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सिक्किम में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, नेपाली भाषा इनमें से सिक्किम में बोली जाती है मुख्य रूप से, तो बी का राइट आंसर होगा, सिक्किम भारत का राज्य, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, पूछा जाता है परीक्षा में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था?
इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी बी होगा, 1931 में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 1931 में। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। बी इसका राइट आंसर होगा, इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए परीक्षा में गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से जानते हैं, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, 1931 में हुआ था। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, आपको बताना है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय कहां पर है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, क्या पूछा गया है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? विशाखापट्टनम, दिल्ली, देहरादून या फिर चेन्नई? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, देहरादून में। क्या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय है। तो सी इसका राइट आंसर होगा, देहरादून करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, आपको बताना है प्रेम वाटका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। लेखक कौन है प्रेम वाटका पुस्तक के? मैथिली शरण गुप्त, रसखान बिहारी, महादेवी वर्मा। इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रसखान। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, रसखान ने प्रेम वाटका पुस्तक को लिखा है, जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? ऑस्ट्रिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या फिर इटली? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्विट्जरलैंड को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। सी इसका राइट आंसर है, स्विट्जरलैंड यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, बर्न। क्या दोस्तों? बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, बताइए महाबलीपुरम स्मारक समूह किस राज्य में है भारत के? सभी इसका आंसर करिएगा, ये जो महाबलीपुरम स्मारक समूह है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल है। अभी आपको बताना है ये भारत के किस राज्य में है, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तमिलनाडु। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, मृत्यु दंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को क्षमादान का अधिकार संविधान में सिर्फ किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रेसिडेंट को। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्षमादान का जो अधिकार है भारतीय संविधान में सिर्फ राष्ट्रपति को दिया गया है, डी इसका राइट आंसर होगा। यस, अगर पूछा जाए कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 72 क्षमादान से संबंधित है, डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला बताइए क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, CaOH का होल ट्वाइस। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। तो बी इसका राइट आंसर होगा, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पृष्ठ तनाव पर। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए,
बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी भारत में? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, क्या पूछा गया है? भारत में जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत है कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1988 में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई थी। 43 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, उर्वरकों के निर्माण में निम्न में से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा, किस तत्व को प्रयोग में लाया जाता है उर्वरकों के निर्माण में? सीसा, एल्यूमिनियम, पोटेशियम या फिर नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पोटेशियम। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पोटेशियम को प्रयोग में लाया जाता है उर्वरकों के निर्माण में, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है पोटेशियम करेक्ट आंसर होगा इसका। पोटेशियम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा जाता है परीक्षा में, पोटेशियम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? क्योंकि पोटेशियम का जो केमिकल नेम है, पोटेशियम का जो लैटिन नेम है, आप लोग याद रखिएगा, लैटिन नेम पूछा जाता है, कैलियम होता है, क्या होता है? कैलियम होता है पोटेशियम का लैटिन नेम, इसीलिए पोटेशियम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या आप लोग याद रखिएगा, रासायनिक संकेत के होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये जो स्पेस है यहाँ पर क्या भरा जाएगा? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर बताइए, सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर, पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा असम में है। कहाँ पर है? असम में है, एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। आपको बताना है गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? सब इसका आंसर करिए दोस्तों, बताइए गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? अगर पूछा जाए परीक्षा में गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो मैंने आपको कई बार बताया है गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी, और गुप्त वंश तो जो था कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? क्या पूछा गया है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ये आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1962 में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आईटीबीपी की जो स्थापना है 1962 में हुई थी, तो बी का राइट आंसर होगा। आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस, तो बी का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। निम्न में से किसमें ऑक्जैलिक एसिड पाया जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए। क्या पूछा गया है? निम्न में से किसमें ऑक्जैलिक एसिड पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, टमाटर में। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, टमाटर में ऑक्जैलिक एसिड पाया जाता है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। मूसी किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? कृष्णा,
गंगा, गोदावरी या फिर यमुना? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कृष्णा की सहायक नदी है। क्या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कृष्णा की सहायक नदी है मूसी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है भारत में? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 सितंबर को। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, प्रति वर्ष 5 सितंबर को एस राधा कृष्णन की जयंती पर। एस राधा कृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, इन्हीं की जयंती पर प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए दोस्तों, भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन से हैं? ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार पहले भी बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत में पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन से हैं? भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश आपको बताने हैं। पूर्व में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बांग्लादेश और म्यांमार। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बांग्लादेश और म्यांमार भारत के पूर्व में स्थित है। सी करेक्ट आंसर है। श्रीलंका भारत के साउथ में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। आपको बताना ऐरावतेश्वर मंदिर भारत में कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, राजस्थान या फिर तमिलनाडु? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर। तो डी इसका राइट आंसर होगा, तमिलनाडु करेक्ट आंसर है इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए दोस्तों, किसका प्राचीन नाम कामरूप था? चार ऑप्शन आपको दिए गए, बताइए इनमें से किसका प्राचीन नाम कामरूप था? इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, असम का। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, असम का प्राचीन नाम कामरूप था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, असम की राजधानी पूछी जाती है दिसपुर है। असम भारत का एक राज्य है। असम की ऑफिशियल लैंग्वेज अगर पूछी जाए तो आप लोग याद रखिए असमिया, असम की ऑफिशियल लैंग्वेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। आपको बताना है झारखंड का शिमला किसे कहते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिएगा दोस्तों, बताइए झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बताइए झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? यस, कामाख्या देवी मंदिर असम के गुवाहाटी में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रांची को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, झारखंड का शिमला रांची कहा जाता है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, रांची करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। आपको बताना है 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 1959 तक आपको बताना है पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कराची। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कराची थी, तो बीस का राइट आंसर होगा। वर्तमान में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। आपको बताना है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? सभी इसका आंसर करिएगा, गुप्त शासकों ने जो चांदी के सिक्के जारी किए थे उनको किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रूपक। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, रूपक के नाम से जाना जाता था। गुप्त शासकों ने जो चांदी के सिक्के जारी किए थे रूपक कहलाते थे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, रूपक करेक्ट आंसर होगा इसका, डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर होगा, रूपक। चलिए आगे बढ़ते हैं,
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा, नंदी पहाड़ियां कहां पर स्थित है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, नंदी पहाड़ियां कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर बताइए तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका या फिर उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्नाटका में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, नंदी पहाड़ियां कर्नाटक में है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है उत्तराखंड, करेक्ट आंसर नहीं होगा। नंदा देवी चोटी अलग है और नंदी पहाड़ियां अलग है। अगर पूछा जाता नंदा देवी चोटी कहां पर है, ये उत्तराखंड में और नंदी पहाड़ियां कर्नाटका में, अलग अलग क्वेश्चन है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बांग्ला त्योहार निम्न में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? रीनिंग की आपकी क्लास होगी संडे को स्पेशल। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बांग्ला त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गारू जनजाति द्वारा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, बांग्ला त्योहार गारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। इसका करेक्ट आंसर बताइए, निम्न में से कौन मिश्र धातु नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें कौन मिश्र धातु नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कॉपर तांबा। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, तांबा मिश्र धातु नहीं है, डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? आप लोग याद रखिएगा, मनुष्य ने सबसे पहले कॉपर का प्रयोग किया था, तांबे का प्रयोग किया था, बाकी स्टील, पीतल, कांस ये सभी मिश्र धातु है, तो डी इसका राइट आंसर होगा, तांबा करेक्ट आंसर है, कॉपर। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। आपको बताना है हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें किसका उल्लेख नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें किसका उल्लेख नहीं है? न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठान की समानता का या फिर वयस्क मतदाता का? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वयस्क मतदाता का। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है? डी करेक्ट आंसर है, वयस्क मतदाता का उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, प्रीएम्बल में, तो डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, न्याय का भी उल्लेख है, भ्रातृत्व का भी उल्लेख है, प्रतिष्ठा की समानता का भी उल्लेख है, तो डी इसका राइट आंसर होगा, वयस्क मतदाता का उल्लेख नहीं है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है, हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वाटर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, पानी होता है।